और लोगों को पता चलेगा तो उनकी आंखें खुलेंगी कि पूरी सरकारों ने, सारी पार्टियों ने, सारे नेताओं ने उनके ही, जिसकी वो भक्ति करते हैं, जिनके गले में मतलब जिनका उन्होंने पटका पहना हुआ है, उनके ही नेताओं ने उनको ठगा और उनके ही नेताओं ने उनके बच्चों की जान खतरे में डाली, उनके ही नेताओं ने उनके साथ जबरदस्ती करी, उन्होंने ही उनकी जिंदगी बर्बाद की और जानबूझ के एक योजनाबद्ध तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद किया। एक जज लोया है जिन्होंने अपनी जान दे दी उसूलों के लिए, शहाबुद्दीन केस में जो तड़ीपार के साथ जिसका केस था वो नहीं माने, उनको उन्होंने मार दवा दिया तड़ीपार साहब ने। एक दूसरे जज गोगोई है जिन्होंने इसके हिसाब से दिया तो उनको राज्यसभा का टिकट मिल गया। तो इसका मतलब है कि अगर कल को डिसीजन हमारे खिलाफ आता है तो ये सारे लोग और इनके परिवार और इससे आगे 10-10 गुना लोग साथ में गिरफ्तारी देने वाले हैं अगर ये केस उनके पक्ष विपक्ष में जाएगा। तो आपने हरियाणा में देखा था, उन्होंने कहा हम लोग ना 3 महीने तक स्कूल नहीं खोलेंगे, ये भी तो कहा था जी। हमने कहा हम खोलेंगे 1 तारीख से और तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम रोक देना। 3+2G भी इनको उखाड़ के फेंकना है लोगों को। अभी जो टावर लग रहे हैं रोज़ जब इनके साइड इफेक्ट आने लगेंगे, सड़कों पे लोग गिरने लगेंगे तो लोगों को पता लगेगा रेडिएशन का कितना नुकसान हो रहा है, तो ये सारे टावर उखाड़ने वाले हैं लोग। देखिए तरुण, डॉक्टर तरुण कोठारी जी के ऊपर कुछ भटके हुए लोगों ने FIR करवाई थी और फिर क्रांतिकारी साथियों ने ये सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है समाज को ये बताने का। जिस तरह से आपको याद हो कि जिस वक्त बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ में भगत सिंह की लड़ाई हो रही थी और उस वक्त वो कह रहे थे कि बटुकेश्वर दत्त बोलता है कि नहीं भाई मैं जाऊँगा बम डालने के लिए, तुम नहीं जाओगे, तो भगत सिंह ने एक बात कही थी कि भाई देखो बात यह है कि बम तो कोई भी डाल देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बम डालने के बाद जब हम अपनी पैरवी खुद करेंगे कोर्ट के अंदर, तो उस वक्त जब हम सवालों के जवाब देंगे तो हमें देश की जनता को वो मैसेज देना होगा, तुम उस तरीके से नहीं दे पाओगे जितने अच्छे तरीके से हम दे पाएंगे। तो उस तरीके से हम इसको ऐसे मानते हैं कि डॉक्टर तरुण कोठारी इज़ द राइट पर्सन जिनके ऊपर इस तरह का केस हो, और जब वो केस आगे बढ़े और उस केस के अंदर जैसे जैसे कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग बढ़ेंगी तो देश की जनता के सामने इसकी सच्चाई खुलती चली जाएगी। और जब पता लगेगा कि जब हमारे वकील ने ये पूछा कि तुम साबित करके बताओ कि तुम कहां से लेकर आए ऐसा कानून जिसमें यह पता लगता हो, या ऐसा कोई रिसर्च जिससे यह पता चलता हो कि ये इस आदमी ने इतना इन्फेक्शन वगैरह फैलाया है या बीमारी फैलाई है, तो जैसे ही ये चीजें जब पब्लिक के सामने आएंगी और लोगों को पता चलेगा तो उनकी आंखें खुलेंगी कि पूरी सरकारों ने, सारी पार्टियों ने, सारे नेताओं ने उनके ही, जिसकी वो भक्ति करते हैं, जिनके गले में मतलब जिनका उन्होंने पटका पहना हुआ है, उनके ही नेताओं ने उनको ठगा और उनके ही नेताओं ने उनके बच्चों की जान खतरे में डाली, उनके नेताओं ने उनके साथ जबरदस्ती करी, उन्होंने ही उनकी जिंदगी बर्बाद की और जानबूझ के एक योजनाबद्ध तरीके से देश की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद किया, भाईचारे को भी बर्बाद किया, समाज को भी बर्बाद किया, उनकी जिंदगियों को भी बर्बाद किया, शरीरों को भी बर्बाद किया, पूरे सिस्टम को बर्बाद किया। तो वो चीजें लोगों के सामने तब आएंगी जब यह पूरी प्रोसीडिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और एक दिन देखिएगा यह केस खारिज होने वाला है, डॉक्टर तरुण कोठारी बिल्कुल बाइज्जत बरी होने वाले हैं। कोई कितना ही हंगा ला लो, कितना ही जोर ला लो, जब सारी दुनिया के अंदर सारी चीजें खुल चुकी हैं तो ये तो प्रोपेगेंडा चलने वाला है नहीं है। तो यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं सॉलिडारिटी में डॉक्टर तरुण कोठारी जी के साथ में कि हम साथ में हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कल को मान लीजिए 1% के लिए हम ये कहते हैं कि वो पुराने जैसे भ्रष्टाचारी जज निकले थे पैसे लेने वाले, ऐसे ही दबाव में आने वाले एक जज लोया है जिन्होंने अपनी जान दे दी उसूलों के लिए, शहाबुद्दीन केस में जो तड़ीपार के साथ जिसका केस था वो नहीं माने, उनको उन्होंने मार दवा दिया तड़ीपार साहब ने। एक दूसरे जज गोगोई है जिन्होंने इसके हिसाब से दिया तो उनको राज्यसभा का टिकट मिल गया, उनकी वो मिल गया। इसका मतलब यह है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो जज जो हैं वो ऐसे भी हो सकते हैं जो उसके हिसाब से काम करें, ऐसे भी हो सकते हैं जो सही तरीके से काम करें। तो मान लीजिए एक जज ऐसा होता है जो कि आदेश के ऊपर काम करता है, तो हम ये कहते हैं कि भैया जी सिंपल सी बात है, देखो चाहे कोई इसको कोर्ट की अवमानना कहे, चाहे जो मर्जी कहे, लेकिन ये तो क्लियर है कि खुद कोर्ट ने रास्ते बंद, दरवाजे बंद किए थे लोगों के लिए जब उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था। तो इसका मतलब है कि अगर कल को डिसीजन हमारे खिलाफ आता है तो ये सारे लोग और इनके परिवार और इससे आगे 10-10 गुना लोग साथ में गिरफ्तारी देने वाले हैं अगर ये केस उनके पक्ष विपक्ष में जाएगा। तो डॉक्टर तरुण कोठारी बाकायदा बाहर निकलेंगे और देश को पूरी सच्चाई बता करके ही निकलेंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आज आए थे और अभी मुझे लगता है सुना मैंने कि तीन महीने का टाइम दिया गया है, तो 3 महीने में क्या लगता है कि क्या होगा, ये क्या करने वाला? अरे कुछ नहीं होने वाला है, इनका कोई देखो कोई बिसात है नहीं, सरकार की जबान का कुछ है नहीं है। आपने हरियाणा में देखा था
उन्होंने कहा हम लोग ना 3 महीने तक स्कूल नहीं खोलेंगे, ये भी तो कहा था जी। हमने कहा हम खोलेंगे 1 तारीख से, और तुम्हारी हिम्मत हो तो तुम रोक देना जी। और उन्होंने कहा नहीं चलो हम 28 तारीख से हम ही खोल देते हैं जी। अरे ये ऐसी बिना पैंदी के लौटे हैं, और देश की जनता को सिर्फ इतना समझाना है आप बोलना शुरू कीजिए, ये अपने सारे डिसीजन वापस लेंगे जी। जिसको लोग ये कहते थे ये तड़ी पार है, ये आदमखोर है, ये अपने डिसीजन वापस नहीं लेता, तीनों कृषि के कानून वापस लिए, तो फर्क सिर्फ इतना है आपको उस चीज का ज्ञान हो आप क्यों लड़ रहे हो, आप में इतनी हिम्मत हो कि आप छाती अड़ा के खड़ो, आपकी उतनी संख्या हो बेशक ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपकी हिम्मत और जज्बा और कॉज के लिए अगर आप खड़े हैं, देखिए आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए खड़े हैं तो आप आपस में लड़बड़ के मर जाएंगे, लेकिन अगर आप कॉज के लिए खड़े हैं तो अपने व्यक्तिगत हितों को साइड में रख के आप जैसे ही देश के बारे में सोचने लगोगे देश के लोग अपने आप आपका साथ देंगे, और सरकारों को वैसे ही इतिहास में जैसे इन्होंने अपने सारे कदम सारे डिसीजन वापस लिए हैं लोगों के बोलना शुरू करते ही वैसे ये वाला डिसीजन भी वापस लेंगे ही लेंगे। 3+2G इनको उखाड़ के फेंकना है लोगों को, अभी जो टावर लग रहे हैं रोज़ जब इनके साइड इफेक्ट आने लगेंगे, सड़कों पे लोग गिरने लगेंगे तो लोगों को पता लगेगा रेडिएशन का कितना नुकसान हो रहा है, तो ये सारे टावर उखाड़ने वाले हैं लोग, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसकी शुरुआत हम लोग जल्दी ही कहीं ना कहीं से करने वाले हैं। तो देखिएगा ये सारा तंत्र जो है जो द ग्रेट रीसेट करने चले हैं, देश के लोग मिल के अच्छे अच्छे लोग मिल करके द ग्रेट रीसेट अपने समाज के लिए करने वाले हैं, और अपनी अगली पीढ़ियों को एक सस्टेनेबल एक्चुअली सस्टेनेबल परमानेंट अर्थव्यवस्था देंगे कि आपके बच्चों के लिए हर आदमी के लिए जगह क्या हो समाज के अंदर, ये समाज सुनिश्चित करे, ना कि कॉरपोरेट या तो कॉरपोरेट के दलाल वो गुलाम या कोई ड्रग्स की लोबी या कोई ऐसा आदमी कि तुम कब बाहर निकलोगे, क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे, क्या पहनोगे क्या नहीं पहनोगे, ये वो डिसाइड थोड़ी ना करेंगे, ये लोग डिसाइड करेंगे, परमात्मा की संतानें डिसाइड करेंगी, और सारे परमात्मा के अंश हैं यहाँ इकट्ठे हैं और इन इन असुरी ताकतों से लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे याद आया पहले इन्होंने दीप सिद्धू को मरवाया, फिर इन्होंने एक सिद्धू को और अंदर करवाया मतलब कितना पुराना केस लेकर गया है, 30 साल पुराना, फिर एक सिद्धू मूसेवाला को फिर अगली बार मरवाया, ये कौन लोग हैं? ये सारा का सारा खेल अभी क्यों शुरू हो रहा है किसान आंदोलन के बाद? मैं आपको, मैंने अब कल अपने फेसबुक पेज पे भी लिखा था कि अगला नंबर पंजाब के अंदर किसी ना किसी हिंदू कट्टरवादी आदमी का होगा, अगली जो मौत होगी वो करवाई जाएगी, क्योंकि इन लोगों का मतलब ये जो भेड़िया है दिल्ली वाला भेड़िया है ये आरएसएस का ही दूसरा एजेंट है, उन्हीं लोगों का बिठाया हुआ है, ये साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। राहुल गांधी भी, जयंत चौधरी भी, भाई मतलब मैं नाम नहीं लेगा मतलब नाम क्या लो, अखिलेश यादव हो चाहे मोदी हो चाहे केजरीवाल हो, मतलब टोटली सारे जो रह गए वो सारे भी सारे के सारे बढ़िया गुलाम कौन सा है ये साबित करने पे लगे हुए हैं। जब बाकी देश के अंदर 500 रुपए चालान था खुली हवा में सांस लेने का, तो दिल्ली वाला राक्षस 2000 ले रहा था। आज भी स्कूलों के अंदर फोटो खिंचवाने जाता है ये खिसोदिया और ये केजरीवाल, तो क्या करते हैं, बच्चों के मुंह बंद हैं और ये दोनों के दोनों खुले मुंह बैठते हैं, मतलब खून खोलता है कि हरामखोर अपनी अगली जनरेशन को खत्म करने पे लगे हुए हैं सिर्फ सत्ता के लालच में, मतलब शर्म आती है ऐसे लोगों को। हमने खुद सपोर्ट किया 2014 में, मैंने नरेंद्र मोदी को सपोर्ट किया, 2015 में मैंने केजरीवाल को सपोर्ट किया, लोगों ने ये सोच करके वोट दिया था कि केंद्र में वो काम करेगा इधर ये काम करेगा, देखो तो जो बढ़िया करेगा आगे देख लेंगे, तो दोनों के दोनों घटिया पे नीचता पे नीचता की हद कौन से पार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा डॉक्टर मरवाए एलएनजेपी अस्पताल के अंदर, और एलएनजेपी को ही इस झरोना वॉरियर का खिताब दिया क्योंकि सबसे ज्यादा डॉक्टर्स मरे वहां पर। ये मतलब बहुत सारे आंकड़े हैं जिनके ऊपर जाना है, और मतलब ऐसा लगता है हर बार जब भी बोलते हैं कि समय थोड़ा ही रह जाएगा। सर, वो जो डॉक्टर था केके अग्रवाल एम्स का, वो खुद कोरोना से, हाँ केके अग्रवाल साहब, देखो वो किसी, ये पहले सबसे पहली बात तो ये है, ये जो कॉज ऑफ डेथ है, जो झरोना वाला जो कॉज ऑफ डेथ है, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, वो इस बूटी से ही गए हैं सारे के सारे, ये जा रहे हैं बूटी से, बस अपने आसपास के लोगों को बताते जाओ एक बात, रेगुलर बताते जाओ कि तुम बूटी से मरोगे और सरकार किसी और से बताएगी, तुम बूटी से मरोगे किसी और से बताएगी, क्या होगा 10 में से 2 केस ऐसे आएंगे जिन्होंने बूटी नहीं लगवाई थी, बाकी 8 तो लगवाए हुए ही जा रहे हैं। ये जो टपक रहे हैं इनको टपकने दो, रियलाइज होने वाला है, हमें बोलना बंद नहीं करना है बस।
बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, ये पागल कहते हैं पागल कहने दो, सटका हुआ कहते हैं सटका हुआ कहने दो, जो मर्जी कहो, ठीक है जी, ये समझ में आएगा। बस आपने बोलना बंद नहीं करना। कई लोग ऐसे होते हैं वो लोग मैसेज करके एक बात बोलते हैं, सर कोई समझने को तैयार नहीं है। मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ कि तुम मेरे को भी उसी गिनती में लगा रहा है क्या? कोई समझने को तैयार नहीं है। तुम क्यों कहते हो? तुम ऐसे बोलो कि गधे समझने को तैयार नहीं है, जिनमें थोड़ी सी अकल है उनको समझ आ रहा है, इतना बोलो ना। ये परसेप्शन नहीं बनाना, ये परसेप्शन नहीं बनाना कि कोई नहीं समझ रहा। परसेप्शन ये बनाना है कि जो बिल्कुल गधे हैं, जिनमें अकल नाम मात्र नहीं है, उनको नहीं समझ आ रहा। जिसमें थोड़ी सी भी अकल है वो समझ भी रहा है, वो बोल भी रहा है, वो अपने पड़ोस को बचा भी रहा है। और अगर कोई भी नहीं समझ रहा होता तो देश के कोने कोने में लोग लोगों को जगाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे थोड़ी ना रख रहे होते। इसलिए अपने को परसेप्शन बदलनी है, हमें वो शब्दावली बदलनी है। और भक्त लोगों की बता दूं, कुछ लोग कहते हैं 90% भक्त है, बिल्कुल गलत है। कैलकुलेशन समझिए, 2009 के चुनाव के अंदर भाजपा को 24% वोट मिले थे, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री उम्मीदवार था। और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री उम्मीदवार था, उस वक्त पूरे देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ हवा थी और ऑप्शन को ढूंढ रहे थे। इतनी बड़ी लहर, इतना बेशुमार पैसा, इतनी मीडिया की मार्केटिंग के बाद भी केवल मात्र 7% लोग जुड़े और 2014 में 31% लोग जो हैं वो बीजेपी में। और उसमें भी मैनिपुलेशन, उसमें भी ईवीएम की मैनिपुलेशन। आप सोचिए कि 2019 में जो संख्या बढ़ी, अभी क्या होता है वोटिंग 60% होती है, ठीक है। और जो 2019 में जो संख्या बढ़ी वो किस लिए बढ़ी? कि 2014 में उन लोगों ने आरएसएस वालों के काम शुरू करे तो लोगों ने आरएसएस ज्वाइन करी, तो वो दिखाने के लिए बढ़ी। तो जो भक्तों की संख्या है वो मुश्किल से 1 या 2% है। इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर परसेप्शन बनाने के लिए किराए पर तनख्वाह दे के बैठाए हुए गधे हैं, जो अपने ही लोगों को मरवाने के लिए बैठे हैं। उनके उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इंटरनेट के चक्कर में मत जाओ, ग्राउंड पे जाके बात करो किसी से, आप देखोगे ग्राउंड पे हर आदमी को समझ में आया हुआ है। कोई नहीं लगवा रहा बूस्टर, काय को, सबको समझ में आया हुआ है, सबको। अब केवल बोलने भर की देर है। जिस दिन लोगों ने बोलना शुरू किया, इनको वही काम है जो हमारा जेजेपी का विधायक था एक, वो कह रहा था कि हमारे वाले विधायकों को तो लोग के कच्चे छिलवाने पड़ेंगे, तो इनके नहीं कपड़े छोड़ने हैं। श्रीलंका वाला हाल होना इनका, इनका तो ऐसा बुरा हाल करेगी ना पब्लिक के सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपनी जाद, अपनी मुहिम को जारी रखो हमेशा, और इसके बाद रुकना बिल्कुल नहीं है। तो अभी इतना ही कहूंगा, बाद में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।